फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो में हूँ। सो आज है श्री राम मंदिर का भूमि पूजन डे। सो आज मैं आपको एक अलग चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैंने मेरे माइनक्राफ्ट में बनाई है। सो ये आप मेरे पैलेस में थे जहाँ सिर्फ तंबू लगे हैं। सो अभी हम बाहर जाएंगे, उससे पहले द्वार खोल ले। तो चलो यार, पैलेस से बाहर रहते हैं, बंद हो जा। सो आ गए हम पैलेस के बाहर। यहाँ मेरी सीना है। आज मैं आपको दो नई चीज़ें दिखाने वाला हूँ। पलट जाओ। वो रहा पहली चीज़, मतलब वो रही पहली चीज़। ये है हमारे श्री प्रभु रामचंद्र का राम मंदिर। मंदिर यही बनेगा, बन गया। सो पहले घोड़े को यहाँ बांध देते हैं। चलो अभिषेक, तू यही खड़ा रहेगा कुछ देर तक, मैं सबको मंदिर दिखा के आता। चल बाय। सो ये रहे फूलों का खे, मतलब फूल वाला लगे हुआ। ये दो लामा है ऊँट राम प्रभु के लिए, दो ऊँट भी हाजिर है। कोमड़ी निकल जा से, हत्या हो गई यार, जान के बली चढ़ गई, छोड़ो। सो हम मंदिर परिसर में आए हैं अभी। तो सॉरी, मैंने आपको एंट्री दिखाई चुनी। हाँ, तो ये हमारा राम मंदिर। ऊपर देखिए झंडा लहरा रहा है। तो अब हम अंदर जाते हैं, दो सिपाही इधर खड़े हैं। सो ये देखिए, एंट्री गेट पे आपको ये दो शेर देखने को मिलेंगे। ये देखिए, दो शेर है। ये अफ्रीकन नस्ल के अफ्रीकन ब्रीड के शेर है। अंदर जाते हैं, वो देखिए आगे राम दिख रहे हैं, राम सीता और लक्ष्मण। और उनके इस साइड में नीचे जो बैठे वो हनुमान है। मैं आपको उसके गर्भगृह में ले जाता हूँ। खुल जा सिंह मंदूया। तो ये देखिए, दो पुजारी है। ये पुजारी कुछ तो भी कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। सो ये रहे हनुमान जी, जिन्होंने ये आई अलग सा कलर का पहना हुआ है अपना कवच, जिनके पास मैं भी खड़ा था। ये बीच में जिन्होंने डायमंड का आर्मर पहना है वो है राम प्रभु। उनके इस साइड में है लक्ष्मण और उनके इस साइड में है सीता। सो ये पूरा राम मंदिर का सेटअप है। और दो पुजारी क्या कर रहे हैं पता नहीं, वैसे गर्भगृह बहुत छोटा है। तब हम बाहर रहते हैं। सो ये है दान पेटी, एक्चुअल यूज़ इन माइनक्राफ्ट। इसका उसका नाम में कोई आता नहीं। घंटी बजाओ, घंटी बजाओ भैया, घंटी बजाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। सो अब हम आपको पूरा एक प्रदक्षिणा हम लगा ही लेते हैं इसकी। सो ये देखिए, आप पीछे खिड़की है जहाँ से सनसेट में सन की रेस सीधा इस पर आ जाए। आपको सनसेट और सनराइज दिखाता है इसका। तो ये देखिए सनराइज, सनराइज ठीक है था, सॉरी बहुत गड़बड़ होती है रे। सनराइज वो देखिए, अब हम देखेंगे सनराइज। चार ओर अंधेरा है, अब सूर्य उगेगा। देखिए उगना शुरू हो गया, वहाँ से उग रहा है वो। देखिए आपको दिख रहा है वो, वहाँ से सन उगेगा। देखिए सब भगवा हो गया। वो तानाजी फिल्म का डायलॉग क्या था, दिन में दो बार सूरज उग भगवे का, जिसका ऐलान खुद आसमान करता है। भगवे का दिन में दो बार, सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद। वे देखे सनराइज, सीधा उस सूरज की किरणें सीधा राम प्रभु के चेहरे पर पड़ती है। देखिए लाइक दिस, देखिए पूरा आ गया बाहर सन। तो इस तरह सन की पूरी दोनों रेस राम प्रभु में पड़ती है। इस तरह सनसेट दिखा देता हूँ अब आपको। सनसेट ये देखिए, सनसेट के टाइम जो सनरेज प्रभु के पीछे पड़ती है। देखिए सन पीछे डूब रहा है, तो सन की रेस जो है सीधा प्रभु के पीठ पे पड़ती है। तो आगे से देखने पर लगता है जैसे प्रकाश पीछे से आ रहा हो। इधर से चलते हैं दूसरे द्वार से, तीन द्वार। अबे चलना, खुलना है। अरे क्या हो गया इसको यार, अरे यार चला जाएगा। ये देखिए लाइक दिस, देखिए आपको दिख रहा होगा पीछे से रेस, तो उस तरह से आती है। तो अगर आपको मैं और कुछ चीज़ें वो दिखा देता हूँ, जैसे वो वेदर नहीं टाइम, फिर से डे कर देता हूँ। तो मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखाता हूँ।
जैसे ये देखिए, ये एक छोटा सा कुंड है, इस कुंड का पानी जो है इसमें बबल्स आते रहते हैं, या मैंने कैसे बनाया मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए, इसमें कूदेंगे ना तो अपन ऊपर ही जाते हैं। यहाँ मैं कूद फिर दिखा देता हूँ, देखिए देखिए ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होते हैं, वो बबल का इफेक्ट कैसे देते मैं आपको आदमी दिखाऊंगा। इस कुंड में श्री राम के जानवरों को नहाया जाता है, वहाँ देखिए लामा और वो वहाँ बंधे हुए घोड़े कुछ, मैं उनके पास आपको ले जाऊँगा बाद में। और ऊपर एक और बड़ा कुंड है जो भक्तों के लिए बनाया हुआ है, तो हम वो भी देखते हैं अब। ये देखिए ये कुंड, इसमें भी गर्म पानी आता है, वैसे उतना गर्म नहीं होता। देखिए आप इसमें भी जाएंगे ना तो देखो यार, मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, हवा में ऑटोमेटिक उड़ रहा हूँ मैं तो इसका। आगे जाते हैं तो इस तरह ये बबल इफेक्ट का मैं आपको चाहिए तो मुझसे कमेंट में पूछना कैसे बनाते हैं। तो देखो यार ऑटोमेटिकली हम ऊपर नीचे होते हैं। तो अब मैं आप लेके चलता हूँ घोड़ों के पास, एनिमल्स के पास। यार वो मेरा पैलेस है, उस पर ही भगवा छाया हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा। तो हम आते हैं हमारे इन एनिमल्स के पास। यहाँ रथ भी है एक बड़ा, आप देख पा रहे होंगे वहाँ से। तो ये देखिए, ये है लक्ष्मण जी का घोड़ा, लक्ष्मण जी का घोड़ा इंद्रभीत, कहते हैं भूल, नाम ही भूल जाता हूँ, हाँ इंद्रजीत मैंने नाम दिया है। और है श्री राम का घोड़ा, क्या है इसका नाम, पवन नहीं, पवन कहता है, सुग्रीव नहीं, क्या नाम रखता मैं वही भूल जाता हूँ, जान दो जो भी नाम होगा। सीता जी का घोड़ा, इसका भी नाम मुझे याद नहीं, सीता जी की घोड़ी है, घोड़ी है ये, घोड़ी है। अब इन तीनों की ब्रीड बता देता हूँ आपको, इन हाँ माइनक्राफ्ट में घोड़ों की ब्रीड भी होती है। तो दिस इज अफ्रीकन ब्रीड, ये अफ्रीकन ब्रीड का घोड़ा है। और ये जो घोड़ा है ये अरेबियन ब्रीड का, श्री राम जी का घोड़ा अरेबियन ब्रीड का है। और सीता जी की जो घोड़ी है ये है इंडियन मारवाड़ी ब्रीड की, और मेरा घोड़ा भी मारवाड़ी ब्रीड का ही है, इसे देखो कितना नाच रहा है बांधने के बाद। सो ये आप देख रहे होंगे तो ये है श्री राम का रथ, रामनवमी को श्री राम जी भगवान को इसी रथ में बिठा कर दिखा घुमाया जाता है। इस रथ को भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए टायर है इसका, ये पहिया है इसका, दोनों चारों चार पहिए। तो ये देखिए ये रथ यहाँ पे चलाने वाला बैठता है, इसे वो हाथियों से खींचते हैं, दो हाथी, हाथी मैंने लगाए नहीं इसमें, हाथी कहीं और से आते हैं। और इस पर श्री राम, इस पर श्री राम को रखते हैं तीन टेबल्स पे, और नीचे हनुमान जी को रखते हैं, नहीं हनुमान जी वहाँ यहाँ बैठते हैं इसके आगे, सबसे क्या कहते हैं रथ के एकदम यहाँ बैठते हैं हनुमान जी इधर, और बाकी सब पुजारी वुजारी बैठते हैं। सो ये देखिए मैं बैठ जाता हूँ, सो अभी आपको ये देख रहे होंगे। और चारों ओर से यार मंदिर जो है ना सोने से बना हुआ है, देखो अगर आप मंदिर के टॉप पे आपको लाते हो देखे सोने का बना हुआ ये, और नीचे ये हिस्सा भी सोने के बने हुए, ये देखिए इस तरह के सब सोने का है। और श्री राम प्रभु का आपको देखा, आपने अगर देखा होगा ये देखिए उनका जो गर्भगृह का गेट है वो भी सोने का बना है, जो उनके पीछे का वो आसन भी सोने का है। और सिर्फ सोना ही नहीं डायमंड भी यूज़ हुए इसमें, वो आप रथ देखेंगे तो डायमंड और गोल्ड दोनों से बना है। देखिए ये डायमंड गोल्ड से बना है, डायमंड बीच में और गोल्ड, देखिए बहुत सारा डायमंड और गोल्ड यूज़ हुआ है इसमें। सो आपका अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, लाइक बेल आइकन को दबाएंगे आज हम, देखिए लाइक दिस। सो जय श्री राम दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय श्री राम।